Now next example of call by value and call by reference. इस केस में सिंपली अगर बात करें, मैंने हेडिंग में मेंशन किया जाए कॉल बाई रेफरेंस, लेकिन रियल केस में अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल किसका, कॉल बाई वैल्यू नॉट अ कॉल बाई रेफरेंस। मीन्स जस्ट मैंने कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस में डिफरेंस क्या बताया था, सिंपली अगर आपके पास कोई फंक्शन है लाइक M1 M2 और एनी फंक्शंस, अगर इस फंक्शंस के अंदर सपोज वन और केस क्या, अगर कोई वेरिएबल आ जाए x, x का वैल्यू है 10, एड्रेस है 100, अगर इसे M1 फंक्शन मैंने सिंपली सप्लाई किया x, देन x के केस में x के रिस्पेक्ट में पास किया और वैल्यू ऑफ x और एड्रेस ऑफ x, इन दैट केस मीन्स x सिंपली वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ इट्स वैल्यू, इसलिए इसको नेम क्या दोगे, कॉल वाई वैल्यू। अगर सेम केस में किसी अदर केस में सप्लाई करता हूँ एड्रेस ऑफ एक्स, इस केस में वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में चेक करना है एक्स का वैल्यू पास हुआ और एक्स का एड्रेस, इसलिए इस पर्टिकुलर थिंग्स को नेम क्या देंगे, कॉल बाई रेफरेंस और वी कैन से कॉल बाई एड्रेस। वन मोर केस, सपोज़ेड वी आर हैविंग सम वेरिएबल एज पॉइंटर वेरिएबल पी, पी का एड्रेस क्या समथिंग 200, लेकिन पी के अंदर मैंने असाइन किया एड्रेस ऑफ एक्स, पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस क्या 100। अगेन पी के रिस्पेक्ट में बात करें तो पी का वैल्यू क्या है 100, लेकिन पी का एड्रेस क्या है 200। अगर मैं इस केस में सप्लाई करता हूँ सिंपली एज पी, तो पी के केस में स्टोर क्या है 100, इसलिए इनडायरेक्टली इसमें पास किया और 100। अगर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, मेमोरी के रिस्पेक्ट में 100 पास किया और एज अ एड्रेस, लेकिन यहाँ आप मीन से पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग कौन सा केस है, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, चेक किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। मीन्स इस केस में वेरिएबल पी के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है, पी के रिस्पेक्ट में पी का वैल्यू पास हो रहा है, पी का एड्रेस, मीन्स 100 पी के लिए क्या है वैल्यू नॉट एड्रेस, मीन्स मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 क्या है एड्रेस, लेकिन पी के रिस्पेक्ट में चेक करना है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या पास हुआ वैल्यू, इसलिए इस केस को भी नेम क्या दोगे, कॉल बाई वैल्यू नॉट अ कॉल बाई एड्रेस। जनरली आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे ही आपको दिखता है फंक्शन में अगर एड्रेस पास कर रहे थे इसको आप नेम देना स्टार्ट कर देते हैं कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू, वैल्यू है एड्रेस रिलेटेड नहीं, आप चेक करोगे रिस्पेक्ट टू करेंट वेरिएबल और गिवन वेरिएबल, अगर इस पर्टिकुलर उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू पास हुआ है वेरिएबल का, देन इसको नेम दोगे जाए कॉल बाई वैल्यू, मीन्स इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वैल्यू भी हो सकता है, मेमोरी के रिस्पेक्ट में एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन अगर ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरिएबल का अगर वैल्यू पास हो रहा है देन कॉल बाई वैल्यू, वेरिएबल का अगर एड्रेस पास हो रहा है देन कॉल बाई एड्रेस। सेम है इस केस में मैंने प्रोवाइड किया कि इस केस में सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया गया M1 प्लस इसका आर्गुमेंट टाइप क्या पॉइंटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सप्लाई क्या करना है इंटीरियर टाइप ऑफ एड्रेस। क्यू की बात करूँ, क्यू के अंदर भी क्या स्टोर होगा एड्रेस ऑफ ए, मीन्स इंटीरियर टाइप एड्रेस। जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर होगा सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शंस। मेन फंक्शन के अंदर ओनली टू लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल, फर्स्ट वन ए, सेकेंड वन क्यू, क्यू इज अ पॉइंटर, इसे दोनों ही लोकल वेरिएबल किस फंक्शंस के लिए क्रिएट हुए हैं, मेन फंक्शन। देन ए के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है 10 और क्यू के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ ए, मीन्स ए का एड्रेस अगर 100 है देन क्यू में क्या आसान हो जाएगा 100। अगेन फिर से चेक कर सकते हो क्यू के लिए 98 क्या एड्रेस फॉर क्यू, लेकिन क्यू के लिए 100 क्या वैल्यू नॉट अ एड्रेस, इसे 100 ए के लिए एड्रेस है लेकिन क्यू के लिए क्या है वैल्यू। सेकेंड केस में इनिशियली डिस्प्ले कराया है वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू में करेंटली 100 स्टोर है, रियल में ये का एड्रेस 100 होगा देन डिस्प्ले भी क्या होगा 100 बाई यूजिंग दिस प्रिंट एफ। नेक्स्ट वन M1, M1 के केस में आप चेक कर सकते हो क्यू के लिए, अगर क्यू पॉइंटर वेरिएबल है लेकिन इस केस में क्यू के प्लेस पर क्यू का वैल्यू पास हो रहा है, क्यू का एड्रेस पास हो रहा है, मीन्स क्यू के प्लेस पर मीन्स सिंपली कोई भी वेरिएबल हो चाहे ऑर्डिनरी वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल, वेरिएबल नेम्स के प्लेसेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है इट्स वैल्यू, क्यू का वैल्यू क्या है इस केस में 100, तो फाइनली इस फंक्शन कॉलिंग में सप्लाई किया हुआ 100, इसे 100 एड्रेस है। अगर एड्रेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या कॉल बाई एड्रेस, लेकिन आपको चेक किसके रिस्पेक्ट में करना है रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल, क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू के लिए क्या पास हुआ क्यू का वैल्यू और क्यू का एड्रेस क्यू का वैल्यू, इसलिए रियल केस क्या है कॉल वाई वैल्यू और कॉल वाई एड्रेस, कॉल वाई वैल्यू। इस केस में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि वैल्यू पास हो रहा है एड्रेस पास हो रहा है, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस है लेकिन क्यू के रिस्पेक्ट में वैल्यू, इसलिए नेम किया कॉल वाई वैल्यू।
देन इसके जस्ट बाद जब एम वन फंक्शन कॉल हुआ तो एम वन के अंदर मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ लोकल वेरिएबल पी, पास 100 हुआ तो पी में भी कैसन हो जाएगा ऑल्सो 100, पी 100 लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, इसलिए इसका नेम क्या हुआ, एक और नेम स्टार पी। स्टार पी मीन्स पी के अंदर क्या स्टोर है 100, इसलिए इसका मीनिंग क्या इक्वेलेंट टू स्टार 100 इक्वल्स टू 1, इनडायरेक्टली ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 1। जब कंट्रोल वापस आएगा या ए का वैल्यू तो चेक हो चुका, लेकिन ए इस फंक्शन के लिए क्या पैरामीटर था क्या, नहीं, इस फंक्शन के लिए पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या क्यू नॉट ए, इसलिए ए के रिस्पेक्ट में चेक नहीं करना कि वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेक किसके रिस्पेक्ट में करना क्यू का, मीन्स इस फंक्शन को कॉल करने से पहले क्यू का वैल्यू क्या था 100। जब कंट्रोल वापस आएगा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, इसके जस्ट आप फिर से डिस्प्ले करा वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू में अभी भी कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं, क्यू में अभी भी क्या स्टोर है 100, इसलिए नेक्स्ट प्रिंट एप से डिस्प्ले क्या हुआ अगेन 100, बिकॉज ऑफ कॉल वाई रेफरेंस, सॉरी कॉल वाई वैल्यू। अगर एक कॉल वाई रेफरेंस का केस होता देन क्यू के कंटेंट चेंज होने के चांसेस थे, क्लियर।